फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। 6.2 में हमने क्या देखा था, एक्सरसाइज 6.2 में हमने दो थ्योरम देखी है, ठीक है, और दोनों को मैंने समझा दिया था, उसके कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। थ्योरम नंबर 6.1 क्या कहती है हमारे थ्योरम, याद करो, किस किस को याद है? ध्यान से समझना, बस थ्योरम का ही खेल है, ठीक है। थ्योरम थ्योरम याद रखोगे तो रहेगा, सिमिलैरिटी नहीं। थ्योरम नंबर 6.1 क्या कहती थी कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल में अगर आपने एक लाइन पैरेलल डाली है दूसरी लाइन के पैरेलल, यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों लाइन पैरेलल डाली है, मतलब ये ए बी और सी, इनको ए बी सी नाम दिए गए हैं, इसका मतलब ये नाम क्या है डी और ये नाम ए, ये जो भी नाम देना है आप दे दो। यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है, गिवन क्या है, डी पैरेलल बी सी, मतलब दो लाइन आपस में क्या है पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल होता है, डी और बी सी क्या है पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो हैं वो बराबर होंगे, ठीक है, मतलब ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू होगा ए ई अपॉन में ई सी, ये थी थ्योरम नंबर 6.1। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, कैसा है, दो लाइन पैरेलल है तो इनके रेशो ऐसे बराबर होंगे। देखो ये लाइन अपॉन में ये लाइन, इसकी जितनी भी दूरी है वो ऊपर रखना और इसकी जितनी भी दूरी वो नीचे रखना, वो किसके बराबर रहेगा, उसका उत्तर इसकी दूरी अपॉन में इसकी दूरी, सिंपल सा लॉजिक है, इनके साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, ये पूरी थ्योरम थी, पर मैंने पूरी थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं लिखाया। अगर ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल, यहाँ पर ट्रायंगल कितने हैं, ओनली वन ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, पर एक ट्रायंगल में जब तुम पैरेलल लाइन डालोगे तो वो कितने ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा, दो, मतलब है कि तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये वाला, एक दूसरा और एक और ट्रायंगल बनेगा इसमें, पर अपने को खैर हाँ दो ही ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है, तो अपने को उन दोनों ट्रायंगल का प्रूफ वगैरह तो नहीं करना है, कैसे क्या किए ये मैं बता चुका हूँ। दूसरा थ्योरम नंबर 6.2 क्या स्टेटमेंट था, अगर दो प्रोपोर्शनल रहेंगे तो लाइन पैरेलल, हाँ इसमें ये गिवन था, तो इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा गिवन है, मतलब ये है, तो ये क्या होगा, इसमें जो ये होगा था वो उसका है बन जाएगा, और जो है वो उसका होगा बन जाएगा, मतलब इफ अगर रेशियोज आपको क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, ए डी अपॉन में डी वी इज इक्वल टू क्या दे रखे हैं, ए अपॉन में ई सी, अगर ऐसा है मतलब ये क्या है, आपको गिवन है, ये क्या है, गिवन है, या फिर आपने किसी भी तरीके से इसको क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया, तो क्या होगा, देन डी विल बी पैरेलल टू बी सी, इसमें ये ऐसा होगा, इज इट क्लियर, एक में है तो वो क्या बन जाएगा, इसमें होगा, मतलब इसका जो गिवन है वो इसके लिए होगा बन जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत थ्योरम है, कैसे थ्योरम है, अपोजिट थ्योरम है, एक में आपको प्रूफ करने के लिए आएगा कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, क्या करने के लिए आएगा, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है ऐसा आपको प्रूफ करना है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है ऐसा प्रूफ करना है, तो आपको ये रेशो अगर आपके इक्वल आ गए तो आप बोलोगे कि डी पैरेलल बी सी है, और इसमें क्या करना रहेगा, आपको दो लाइन पैरेलल दी होगी और एक अननोन के डायरेक्शन, एक अननोन की आपको कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया भी था, मान लो ये एक्स दिया है, ये वैल्यू दिया है 2, ये वैल्यू दिया है 7 और ये वैल्यू दिया है 5, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, गिवन डी पैरेलल टू बी सी, तो गिवन डी पैरेलल टू बी सी, आपको डी और बी सी क्या दे रखे हैं, पैरेलल दे रखे हैं, फाइंड एक्स, क्या है फाइंड करना है एक्स, छोटा सा एक क्वेश्चन वापस से बता रहा हूँ जो लोग नहीं थे उनके लिए, एक्स क्या है फाइंड करना है, तो आपको गिवन है ना, मतलब ऐसा होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, हाँ कर दिया होगा, ठीक है, ये गिवन है मतलब ये होगा, क्या होगा, ए डी कितना है 2 अपॉन में डी बी कितना है 7 इज इक्वल टू ए कितना है एक्स अपॉन में ई सी कितना है 5, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, इसको सॉल्व कर लोगे एक्स निकल जाएगा कितना आएगा, इसको इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 5 2 10 7 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स, ये आपका
आंसर आ गया। इसमें किसी को कन्फ्यूज़न तो नहीं है? ठीक है, ऐसे ही वो किसी का भी पूछ सकता है वैल्यू। इस क्वेश्चन को कुछ भी वैल्यू देके आपको, कैसे भी क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवाए थे उस दिन, बस ये रिवाइज था। अब एक्सरसाइज 6.2 देखो, 6.2 का पहला क्वेश्चन कितने लोगों से हो गया, फटाफट फटाफट अब देखते जाओ। एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन, 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, 6.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसानी से हो जाएगा, आपको गिवन है, देखो प्रश्न पढ़ो, गिवन, अगर वो गिवन है, एक ट्रायंगल की बात है, इसका मतलब आपको जो मैंने समझाया है वैसा कर सकते हो कि नहीं। ये लाए, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये कितना दे रखा है, 1.5 का दे रखा है, ट्रायंगल कैसा भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 सेंटीमीटर का दे रखा है, ये 1 सेंटीमीटर का दे रखा है, और ये आपसे पूछा इसका वैल्यू कितना होगा, नाम दे दो ट्रायंगल में, जो नाम दिए हैं ए बी सी, और ये हो गया आपका डी, और ये हो गया हमारा ई, क्लियर है, ए बी सी और डी, ठीक है। अब यहाँ से निकाल सकते हो क्या एक्स, क्या इक्वेशन बनेगी, फटाफट निकाल के बताओ, जिसका हो गया है वो अगले क्वेश्चन पे ट्राई करते चलो, आगे के क्वेश्चन और भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हो गया, आप ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया है बुक में, उसको भी ट्राई कर लो फटाफट। एक ट्रायंगल दिया है, यहाँ से यहाँ तक लाइन दी हुई है 1 पॉइंट, अच्छा इससे घबराना नहीं कि सर ये इतनी बड़ी लाइन क्या दे रखी है, उससे कोई मतलब नहीं, अपने को किसकी बात करनी, इसके अंदर जितनी है तलवार उतनी बात करनी, डी, इसके पेट में केवल ये डी से ही तक घुसा है, बाकी इधर से बाहर तक बात नहीं करनी है, ठीक है, ये केवल आपको ऐसा कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखा है। ये टोटल लेंथ दे रखी है आपको 7.2, इधर का 1.8 दे रखा है, और इधर का 5.4 दे रखा है, ठीक है। इसमें फाइंड करना था आपको ई सी, इसमें एक्स फाइंड करना था, और इसमें फाइंड करना है आपको ए डी, ए बी सी डी ई, यहाँ पर ए डी को एक्स मान लिया है, और 7.2 ये पूरा दिया है, तो ये कैसे होगा, पहला वाला 1.5 / 3 = 1/x, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे ऑब्जेक्टिव में, अभी आप आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एक्स की वैल्यू 2 नहीं आएगी, नहीं एक्स की निकालनी है ना, एक्स को इधर एक्स की नहीं, एक्स देखो ये होगा कितना, रेसिप्रोकल कर दिया तो, पहले तो देखो आपको करते आता है कि नहीं, ये बताओ, इसको करते आता है ना, इसको एक्स का वैल्यू निकालते आएगा यहाँ से, नहीं आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो बस निकाल लो, देखो एक्स का आंसर निकालना 1/x का नहीं निकालना है, तो बिल्कुल बिल्कुल रेसिप्रोकल कर दो, तो 3/1.5, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा x/1, मतलब नीचे वाले को ऊपर इधर का कर दिया, तो ऊपर वाले को भी नीचे इधर दोनों तरफ कर दो, अब काट लो यहाँ से, कैंसिल किया तो पॉइंट रिटर्न, यहाँ दे दो एक्स आ गया हमारा 2, हाँ तो गया, ठीक है, क्या दूसरे का, ठीक है, पहले वाले का 2 आ गया, चलते जाओ करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 2.4 ध्यान से देखोगे तो ट्रायंगल कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा, है बस लेंदी, अब थोड़ा सा अपने को 4-5 दिन इसमें आराम से देने पड़ेंगे आपको, अच्छा अब ये, हाँ अपन पहले कर लेंगे, उसके पहले ही हो जाएगा, देखो बेटा ये पूरा डिस्टेंस 7.2 दे रखा है, किधर रखा है 7.2, ये समझ में आ रहा है, अगले क्वेश्चन में देखोगे तो 7.2 पूरा दूरी दे रखा है, नहीं बीडी दिया है, 7.2 क्या दिया, केवल बीडी दिया है, बीडी दिया है ना, 7.2 बीडी दिया है, 7.2 बीडी, उसने कुछ बोला तो नहीं है ऐसा कि कौन सा डिस्टेंस क्या है, बस 7.2 की तरफ दे रखा है बीडी, लगा दो क्या, वापिस से लगा दोगे क्या बनेगी, बाय थ्योरम 6.2 क्या बनेगी, x/7.2 = 1.8/5.4 आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते आएगा ना, जो सॉल्व करने के बाद x आएगा वही हमारा आंसर होगा, x = 1.8 × 7.2 इधर किया, 5.4 नीचे है, अब इसको सॉल्व करके बताइए आप मुझे,
क्या आंसर आएगा सॉल्व करने पर, कितना आया करा आपने सॉल्व? 2.4। देखो यहाँ पॉइंट से पॉइंट टूट जाएगा, देखो पॉइंट से पॉइंट एक कैंसल हो जाता है। आपको करते आता है कि नहीं पॉइंट का कैलकुलेशन? नहीं आता है, चलो सिखा देते हैं कैसे होता है। जैसे ये 1.8 इंटू 7.2 को अगर भूल गए हैं तो सीख लो, अपॉन में 1.4। क्या होता है कि यहाँ से अगर एक पॉइंट हटाया तो यहाँ कितना डेसिमल है? एक। तो पॉइंट के बाद जितना डेसिमल है उतने क्या लगाएं? जीरो। इसके बाद यहाँ से भी अगर पॉइंट उठाया तो नीचे के जितने पॉइंट उठाया उतने जीरो ऊपर लगेंगे। अब यहाँ भी एक जीरो है, यहाँ भी एक पॉइंट है, इसको हटाया तो इसका एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा। इतने पॉइंट हटाए, जितने पॉइंट हटते हैं उतने जीरो ऊपर नीचे लग जाते हैं, उसकी अपोजिट डायरेक्शन। नीचे का उठाते हो तो ऊपर उतने जीरो लग जाएंगे, ऊपर का उठाओगे तो नीचे जीरो। मतलब ये अब क्या हो गया, डेसिमल हट गए, बाकी सब 10-10 के फॉर्म में आ गए। अब इसकी काटापिटी कर लो। अब ये कितना बचा? मात्र 18 × 72 × 10 / 54 × 10 × 10, केवल इतना बचा। 10 और 10 कैंसिल कर दो, बाकी आप होशियार हो, आपको पता है इसकी कैंसिलेशन कैसे करना है। बचे हुए नंबर का भी कैंसिलेशन कर लोगे तो आपको x का वैल्यू बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और मुझे सुनाई दे रही कोई 2.4 वैल्यू आ रहा है क्या? बाकी बच्चों का भी आ रहा है 2.4 आ रहा है? तो फिर खेल खत्म करते हैं, अगले पे बढ़ते हैं। और कोई डाउट है? 2.333 आ रहा है, कुछ पॉइंट में आ रहा है तो राउंड ऑफ कर लिया है। ठीक है, तो मैं अप्रॉक्स लिख देता हूँ। अच्छा ऐसा है ना, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आप 2.4 एग्जैक्ट नहीं है इसलिए उसको 2.4 करके और अप्रॉक्स लिखना पड़ता है। कोई चीज़ अगर मान लो एग्जैक्ट नहीं आ रही है तो उसका मतलब क्या है? अप्रॉक्सीमेटली है, तो उसको बस ब्रैकेट में लिख दो कि अप्रॉक्स रिजल्ट है हमारा, 100% सही नहीं है। इज इट क्लियर? आप क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ रुक करें, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो भी हो चुका होगा आपसे, अगर हो गया है तो फिर से एक बार प्रैक्टिस करके आप कर लीजिए। चलो उसको हटा दें, बाकी को 2.4 आया आपका, सॉल्व किया आपने, डिवाइड किया, कैंसिलेशन करते आएगा। ये कैसे कैंसिल होगा? 3 से कट रहा है, 2.4 नहीं आ रहा है क्या? सेकंड का फर्स्ट देखते हैं अभी, ये कर लोगे हटा दें? चलो अब 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो जितने तुमसे बन पाएंगे मैं तुमको करने के लिए देता हूँ, पर तुमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। कुछ लड़कियाँ करके आई है, वो करके आई है। तुमने कितने किए? छुट्टियाँ ऐसे ही निकाल दी दशहरे की? चलो तुम्हारा एग्जाम था मान लिया, पर एग्जाम में ये चैप्टर तो तुमने मैथ्स के चैप्टर में ये आया नहीं था क्या? हाँ ट्रायंगल करना था, तूने किए कितने किए? अरे 5 क्वेश्चन ट्राई कर सकते थे, शुरुआत के 4 क्वेश्चन हर बच्चे से बनना थे, इसमें कितने? 4 क्वेश्चन अगर बन रहे इसका मतलब बाकी के आगे के समझ में आ जाएंगे तुमको। कोई बात नहीं, नहीं आया फिर भी मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे लिए, इतना कोई दिक्कत नहीं है कि सर ने तो हमको ही करने के लिए दे दिए। मैं फिर भी तुम्हें बताऊंगा, ट्रायंगल है, पर ऐसा नहीं है कि तुम इसको बाद में सब भूल जाओ कि बहुत डिफिकल्ट है, आसानी है, कुछ भी नहीं है। जब वेरिएबल की बात आएगी तब और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक ट्रायंगल दे रखा है, कुछ तो भी अजीब सा ट्रायंगल है। चलो हाँ देख लेते ना कहाँ पे आपने कुछ गलती की है या फिर कुछ आंसर गलत है, देख लेते हैं। ए एम बी, अच्छा ये फिगर इसका नहीं है, ओ सॉरी। ठीक है अब ये फिगर बन गया है तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं पहले। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, 6.18 ए एम बी और ए एन डी, ए एन डी ये पॉइंट है आपका L, ये पॉइंट है कितना C। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया सभी ने प्रूफ? अच्छा गिवन क्या है, ध्यान से देखना बेटा, क्या गिवन है? गिवन क्या है? LM पैरेलल CB, क्या देख पा रहे हो? LM पैरेलल CB देख पा रहे हो क्या? LM पैरेलल CB, दूसरा क्या देख पा रहे हो आप, क्या क्या गिवन है? LN पैरेलल CD, मतलब ये पैरेलल है तो अपनी आंखें खुल गई कि पैरेलल वाली थ्योरम लगेगी, ट्रायंगल छाट लो और रेशो वाली चीज लगा दो। अच्छा प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट AM अपॉन AB, AM अपॉन AB किसके बराबर आना चाहिए? AN अपॉन AD के, AN अपॉन AD के। क्या बात समझ में आ रही है? ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो,
सबसे पहले तो LM पैरेलल CB दे रखा है, तो आप देखोगे कि LM और CB ABC ट्रायंगल के हिस्से हैं। सेकंड आया नहीं, LM और सेकंड करेंगे, ये थर्ड क्योंकि मैंने लिख दिया था इसलिए इसके बाद सेकंड करेंगे। ABC ट्रायंगल के हिस्से हैं, हरी बात समझ में। LN और CD को ध्यान से देखो, तो LN और CD ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये ADC ट्रायंगल के हिस्से हैं। क्या आपको इतना समझ में आता है? मतलब एक बार थ्योरम आप इस ट्रायंगल के लिए, अच्छा मतलब आपको दो ट्रायंगल लेना है, एक ट्रायंगल लेना है ABC और दूसरा क्या ट्रायंगल लेना है ADC लेना है, ठीक है? निकाल लोगे सर पीटी क्या है? प्रूव दैट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने पीटी को, प्रूव दैट। अच्छा ABC ट्रायंगल में क्या लगेगा बेटा, थ्योरम लगा लोगे? AM अपॉन में MB, अभी समझाया था, अगर पैरेलल है तो साइड्स क्या रहेगी, प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन बोलते हैं उसको, मतलब AM अपॉन में क्या लिखेंगे अपन, MB लिखेंगे, किसके बराबर होगा? AL अपॉन LC के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ। होगा। ABC ट्रायंगल को देखोगे ना तो दूसरे को मत ध्यान रखो, उसको भूल जाओ। अरे ABC देखो, ABC 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 देखोगे तो दूसरे को भी देखोगे क्या नीचे? नहीं समझे? ABC ट्रायंगल ABC AL AM अपॉन AL, अच्छा ये ओ सॉरी AL, हाँ क्या आएगा? AL और LC, सही है ना? अरे ये हिस्सा अपॉन ये हिस्सा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अपन ये सीक्वेंस चला रहे हैं, तो AM अपॉन में MB क्या आएगा? MB मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यही थी हमारी थ्योरम, क्लियर है? यही तो हमने किया हुआ है इसके पहले। अच्छा इस ट्रायंगल का इक्वेशन बना के बताओ आप, इस ट्रायंगल का बताओ, ADC ट्रायंगल मतलब दिस अपॉन दिस, अच्छा ऐसे सीक्वेंस में लिखो, पहले एन अपॉन एम ए डी इज इक्वल टू एन अपॉन एल सी, क्या समझ में आता है इतना? दो ट्रायंगल की दो इक्वेशन, दस ट्रायंगल की दस इक्वेशन बना लेना छाट छाट के, बस कुछ भी नहीं यही करना है, 25 है तो 25 नहीं कितने नहीं आएंगे, दो से ज्यादा ट्रायंगल या तीन से ज्यादा ट्रायंगल नहीं आएंगे, पर थ्योरम एक, एक थ्योरम पे सब कुछ टिका है, इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल अपना एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगी, छोटे मोटे जो भी आएंगे डाउट कर लेंगे अपन। इसका मतलब बेटा ये इक्वेशन वन है और ये क्या इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन वन और टू को जब आप गौर से देख रहे हो तो आपको AL और LC दोनों में क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है, मतलब ये हिस्सा बराबर है, और आपको पता है कि अगर एक हिस्सा बराबर है तो दूसरा हिस्सा भी क्या होगा? बराबर, मतलब इसका RHS क्या है? बराबर। अच्छा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको इधर लिखो या इसको उधर लिखो, उससे फर्क पड़ता है क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आपने इसको उधर ही क्यों लिखा, मेरी इच्छा इधर लिखने की, क्या मैं लिख सकता हूँ? लिख सकते हो भाई, उसका तो पता है ना, ठीक है, पर एक हिस्सा इधर का और एक हिस्सा उधर का, इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू क्या आ गया? AM अपॉन में MB इज इक्वल टू, यही प्रूफ करना था क्या? इज इक्वल टू AN अपॉन AD, मैंने कुछ गलत लिख दिया था क्या? ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करवा देंगे करवा देंगे, ये भी करवा देंगे, AN अपॉन में AM अपॉन में MB इज इक्वल टू AN अपॉन में ND, ये तो प्रूफ नहीं करना था, प्रूफ में करना था AM अपॉन में AB, ये AB कब बनेगा, ये AB कब बनेगा? AM अपॉन में AB और AN अपॉन में AM अपॉन ओके ए डी भी है, ए डी भी है, मैंने एक इक्वेशन क्या बनाई है AL अपॉन प्लस वन लेके, हाँ प्लस वन लेके कर लेंगे, प्लस वन लेके कर लेंगे, पर ये क्या है, मैंने इसको गलत लिख लिया, इसको एनडी लिखेंगे ना, इसको क्या लिखेंगे? एनडी। चलो यहाँ तक तो क्लियर हुआ, पर आपने देखा कि सर अभी भी प्रूफ तो हुआ ही नहीं जो ये करना था। अब उस दिन मैंने याद करो, मैंने आपको चार तरीके की डेरिवेशन बताए थे, अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो ट्रायंगल वाले वीडियो देखना, थोड़े वन और टू जो अपलोड किए हैं, ठीक है ना? मैंने आपको बताया था कि अगर आपका प्रूफ नहीं आता है
तो आपको जोड़ तोड़ के सब तरफ से क्या करना है, प्रूफ करके देखना पड़ेगा। अब देखो ये कितना है AM और ये कितना है AB। AB आपको साफ पता चल रहा है AM और MB का जोड़ है ना। सर माइनस कर देंगे ना, प्लस कर लो ना। अब ये इस इक्वेशन में क्या कर लो, एड प्लस वन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर लो, वन एक एक प्लस कर लो। देखो प्लस करेंगे तो क्या आएगा, AM अपॉन में एम बी प्लस वन इधर भी आएगा और इधर कितना आएगा, ए एन अपॉन में एन डी प्लस वन इधर भी आएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, आता है एलसीएम लेते हैं, एम बी का एलसीएम कितना आएगा, एम बी, तो एम बी नीचे रह जाएगा बेटा, एम बी नीचे रह जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ए एम प्लस एम बी, इतना समझ में आता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एम बी इंटू वन, एम बी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ए एन प्लस एन डी अपॉन में एन डी, इसमें एलसीएम एन डी आएगा। अब ए एम और एम बी जुड़ के कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, आ रहा है समझ में, नहीं आया ये प्लस वन समझ में आया, ठीक है ठीक है, बाद में भी कर देंगे। प्लस वन करने से क्या हो गया, सर अपने को AM अपॉन में AB करना है तो नीचे MB आ रहा है। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है, रेसिप्रोकल करके प्लस वन करना पड़ेगा। चलो मैं आपको वो भी इसी में बता दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कैसे चलना है, ऐसे मान के चल रहा हूँ एज ए स्टूडेंट। अभी आपने प्लस वन किया तो कितना हो गया, AM प्लस MB अपॉन में MB, ये LCM समझ में आया, MB इधर आ गया। जैसे अपन कैसे लेते हैं, 1 बाय 2 प्लस 7 होता है तो क्या कर देते हैं, 7 टू सा 14 अपॉन में 2 कर देते हैं कि नहीं, ठीक वैसे ही तो किया है, MB इंटू 1 MB कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका MB AM प्लस MB, अब AM प्लस MB कितना हो गया, AB, AB अपॉन में कितना, MB इज इक्वल टू AN प्लस ND कितना हो गया, AD अपॉन में ND। क्या ये प्रूफ करना था क्या, अब आप देखोगे तो अभी भी ये प्रूफ नहीं करना था, ये नहीं करना था। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, आपने कितने तरीके से एक क्वेश्चन से कितने प्रूफ करने के लिए बोल सकता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट करके पूछ सकता है। एक तो सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग तो हमारी ये हुई, क्या ये प्रूफ करना था, ये भी प्रूफ नहीं करना था। अगर ये प्रूफ करना था तो एक स्टेप में ख़त्म हो जाता। प्रूफ क्या करना था आपको, ये करना था। अगर ये प्रूफ करना था तो ये दूसरे स्टेप में ख़त्म हो जाता, पर ये भी प्रूफ नहीं करना था। क्या बात समझ में आ रही। अब मैं क्या करता हूँ, जो आपने इक्वेशन निकाली थी, इस इक्वेशन को क्या कर लो, रेसिप्रोकल कर लो। क्या कर लो, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, एम बी ऊपर ए एम नीचे इज इक्वल टू एन डी ऊपर और ए एम नीचे। अब दोनों तरफ फिर से क्या कर दो, प्लस वन कर दो। आया समझ में, ए एन ठीक है, एम बी अपॉन में ए, हाँ रेसिप्रोकल किया तो एन डी अपॉन में एन, ये हमने रेसिप्रोकल किया। देखो इसी इक्वेशन को क्या कर लिया, पलट दिया और फिर क्या किया, प्लस वन किया। प्लस वन करोगे एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ए एम प्लस एम बी अपॉन में ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन अपॉन में ए एन। अब ध्यान से देखो कितना होता है, ए एम प्लस एम बी कितना हो गया, ए एम प्लस एम बी कितना हो गया, ए बी, ए बी अपॉन में ए एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन में कितना, ए एन हो गया। क्या ये प्रूफ हो गया, रूल के मुताबिक तो प्रूफ हो गया है। देखो ए बी बस नीचे है, उसमें ऊपर है। अब उसी इक्वेशन को क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए एन अपॉन में ए डी। इज इट क्लियर। यहाँ पर आपने क्या कर लिया, डिराइव कर लिया, मतलब प्रूफ कर लिया आपको जो प्रूफ करना था। ठीक, एक मिनट बात करता हूँ। ये तो हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूफ। अब आप बोलोगे सर आपको क्या था, यही प्रूफ करना था, तो फिर इतना नचाया क्यों, समझाने के लिए, समझाने के लिए।
आपको गलत भी तो करते आना चाहिए, मतलब आप कभी गलत कर दिए तो। मैं एज ए स्टूडेंट की सोच से चल रहा हूँ कि यार सर हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा ही क्यों करना है। अगर आपका तुक्के में रेसिप्रोकल या रट के जाओगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, पर बोलेंगे सर इतना समझेगा ही कौन, हम तो रट के ही जाएंगे ना। पर लॉजिक देखो, एक क्वेश्चन, अब मान लो उसने कल को ये प्रूफ करने के लिए बोल दिया तो होगा नहीं होगा? नहीं आएगा? उस दिन नहीं थे ना आप, मैंने आपको ये बताया था उस दिन सब, जब प्रूफ बताया था उस इक्वेशन में, ठीक है ना, तो उससे बताया था मैंने आपको एक इक्वेशन से आप 3-4 प्रूफ कर सकते हो, ये याद रखना। अब नहीं क्लियर है तो अभी भी याद रख लो, उस दिन नहीं थे तो यही बताया था कि आपने देखा कि यार यहाँ तो खेल खत्म हो जाता, परंतु ये प्रूफ करना ही नहीं था। तो आपने क्या सोचा, आपके पास दो ऑप्शन और बचते हैं, इस इक्वेशन में +1 करके प्रूफ कर लो क्या हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो इसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल करके फिर से +1 कर लो, हो गया तो भी सही है, मतलब 3 हिस्सों में आपका प्रूफ आएगा। समझ में आ रही बात? या तो डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट कैसे, हाँ डायरेक्ट करोगे तो मैंने 3 स्टेटमेंट बताए थे आपको शुरू में, वो वाले की लगा आपने वो लगाए होंगे, हाँ आपने वो डायरेक्ट वाला कर लिया है, बिल्कुल सही किया आपने। क्यों? क्योंकि आपने क्लास में समझा था वो, और आपने तुरंत एक स्टेप में निकाल ले गए। अब मैं इनको फिर यहाँ पे बताता तो फिर क्या था कि अब बहुत लेंदी हो जाता। क्लियर है? डायरेक्ट उस दिन कितने स्टेटमेंट बताए थे मैंने आपको, एक ट्रेंगल के कितने स्टेटमेंट होते हैं? यहाँ पर बेटा ये आपका ट्रेंगल है, इसको ABC और इसको नाम दिया D और E, इससे इक्वेशन क्या बनती है, AD/DB = क्या होती है, AE/EC। अब मैंने आपको उसके 4 स्टेटमेंट बताए थे उस दिन, एक में मैंने +1 किया था, एक थ्योरम तो ये है। अब इसमें +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, AD plus DB तो कितना हो जाएगा, AB/DB = AE+AC, मतलब AC/AE, हाँ AE+EC AC/AC। अच्छा हाँ, ये क्या किया अपन ने, AD/DB AE/EC तो LCM लेंगे तो AE और EC प्लस हो जाएगा, तो AC/EC। ये समझ में आया दूसरा, है ना? नहीं आया? मतलब स्टेटमेंट एक था परंतु उसमें +1 करा तो एक और बना के नहीं है, तो या तो डायरेक्ट ये लगाओ, ये लगाओगे तो कितना AB/DB AB, मतलब ये पूरा लाइन, हरी बात समझ में, अपॉन में क्या डीबी मतलब ये हिस्सा, ये वाला अगला वाला, तो इसमें अगला हिस्सा कौन सा बनेगा आपका, जो भी अगला हिस्सा बन रहा है उसके हिसाब से ये देखना पड़ेगा, तो इससे तो अच्छा है कि तुम इसको डिराइव कर लो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, थोड़ा पुराना याद रखना पड़ेगा बेटा, नहीं तो तुम अगर ऐसा भूल जाओगे तो मैं बार बार वही चीज़ अगर बताऊंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये प्रूफ एक है परंतु उसके 4 अलग अलग स्टेटमेंट डिराइव करके सिखाए थे सबसे पहले ही वीडियो में, आप दूसरे वीडियो में देख लेना आप, ठीक है, नंबरिंग मैंने जो की है उसके हिसाब से, उसके बाद फिर आपकी इच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, इसलिए इसको करना ज़रूरी है। ENF पॉइंट ऑन द साइड PQ and PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रेंगल PQR। अच्छा ये ट्रेंगल PQR बना लो, PQR ये पॉइंट दे रखें, खुद से बनाओ डायग्राम, ट्राई करो। ई और एफ पॉइंट दे रखें, PQ साइड पर E पॉइंट दे रखा है और PR साइड पर कौन सा पॉइंट दे रखा है, F पॉइंट दे रखा है। अब ये दोनों पैरेलल हैं, ये भी दिया है क्या, दिया है, अच्छा निकालना है, ओके। रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रेंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, आपको बताना है, ठीक है, स्टेट आपको क्या स्टेट करना है, स्टेट वेदर
ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, पहला आ गया। आपको बताना है ई एफ पैरेलल होगा क्या, पहले केस में पी कितना दे रखा है 3.9, फिर क्या दे रखा है आपको ई क्यू कितना दे रखा है 3, सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ मैं, फिर क्या दे रखा है पी एफ कितना दे रखा है, फिर क्या दे रखा है एफ आर कितना दे रखा है 2.4। अब आपको दिमाग में तो आ रहा होगा इस बार आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है। मैंने आपको दो स्टेटमेंट बताए थे, क्या बताए थे दो स्टेटमेंट, पहले में पैरेलल दिया होता है तो इक्वेशन ऐसी बना सकते हो, और दूसरे में अगर वैसी इक्वेशन बन रही है मतलब LHS और RHS बराबर हो रहे हैं तो वो पैरेलल होगी। अभी यहाँ पे आपको ये होगी कि नहीं होगी वो पहचानना है, इसका मतलब आपको दूसरा वाला चीज चेक करना है। अच्छा, इसका मतलब ये चेक करना है आपको, ये पैरेलल तभी होगी जब PE अपॉन में EQ का जो आंसर है वो किसके बराबर होगा PF अपॉन में FR के। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आई, आ गया ना उल्टा। अब इसका LHS चेक कर लो और RHS चेक कर लो। LHS कितना है PE अपॉन में EQ, PE का वैल्यू कितना है बेटा 3.9 अपॉन में EQ का वैल्यू कितना है 3। इसको सॉल्व कर लो, इसको बराबर RHS में मत रखो, अभी RHS में नहीं रखना, नहीं तो इसका मतलब तो ये है कि तुम प्रूफ करके चल रहे हो बराबर बराबर। हमें तो चेक करना है कि LHS वाला हिस्सा RHS के बराबर आएगा तो ही तो ये पैरेलल होगा। बच्चे क्या करते हैं बराबर में इसको ही रख लेते हैं फिर से और बोलते हैं सर बराबर आ तो रहा है, बराबर दे तो रखा है, इक्वेशन को वैलिडेट करना पड़ेगा। ऐसा अगर है, मैंने लिखा था ना, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। तो ऐसा है कब, जब LHS किसके बराबर आएगा, तो LHS को अलग से चेक करना पड़ेगा और RHS को अलग से चेक करना पड़ेगा, ना कि दोनों को साथ में बराबर लेके चलना पड़ेगा। इसका आंसर कितना आ रहा है, चलो अभी तो मैं बराबर लिख लूँ 1.3। RHS का आंसर कितना आ रहा है 3.5 आ रहा है। PF कितना है 3.6 और FR कितना है 2.4। अब देखो यहाँ पॉइंट से पॉइंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और कहीं से कहीं तक ये वैल्यू मुझे 6/4 कितना आ रहा है भारतीय 36, तो 1.5 आएगा 3/2। आपको क्या जोड़ घटाव करते आता है कि सिखाऊं, काट लेंगे कि मैं काटते बताऊं आपको, अगर आपको काटते आता है तो बिल्कुल 3/2 और 1.5 आंसर आएगा। अगर मैंने गलती कर दी हो तो आप इससे सोर बैठे हो तो मुझे बता देना कुछ गड़बड़। क्या 1.3 1.5 बराबर होते हैं क्या बेटा, नहीं होते तो ये लाइन पैरेलल होगी क्या, नहीं पहला केस नहीं है, सीधी सी बात। तो हम क्या कहेंगे नो ई क्यू इज नॉट, मतलब पहले केस के लिए, ये बात किसकी हो रही है ए वाले केस की बात हो रही है, तो हम क्या कहेंगे नो ई एफ इज नॉट पैरेलल के लिए, मैंने ये सब 11 मत समझना इसको, नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ये पैरेलल का सिंबल है शॉर्ट में, कंजूसी से ऐसे लिखते हैं पैरेलल को पूरा ना लिखते हुए, नहीं तो लोग क्या बोलते थे सर नो ई एफ इज नॉट 11 क्यू आर क्या है सर पर मैंने उनको बता दिया पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल के लिए कुछ लोग इसको LL भी लिख देते हैं, डबल लाइन लगा के LL भी लिख देते हैं, सब सबके शॉर्ट फॉर्म चलते हैं, ठीक है। अब दूसरा बी वाला खुद से चेक करके बताओ, इसको हटा दे, आप खुद से चेक कर पाओगे अब बी, सारी वैल्यूज दे रखी है क्या आपको PE QE PF और RF, ठीक है। तो मैं बाकी इसको हटा देता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ, अभी मैं करस्पॉन्डिंग वगैरह तो कुछ देख ही नहीं रहा, अपन सीधे हाँ तो थर्ड भी देख लो 4, फिर ये कितना है 4.5 अगला 4.5 8 9 और 9। चलिए ठीक है, कुछ गलत तो नहीं लिखा, सब सही लिखा हमने। चलो अगर ये पैरेलल होगी इसका मतलब क्या होगा, पी अपॉन में ई क्यू का आंसर किसके बराबर होना चाहिए, पी एफ अपॉन में एफ आर का आंसर के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि बराबर लेके चलो, इसका मतलब ये है कि LHS निकालो और RHS निकालो और खुद से चेक करो आ रहे हैं क्या बराबर,
आएंगे तो यस, नहीं आएंगे तो सर दोनों को एक में पहले ही रख दो, अपने आप हो जाएगा। तो पहले वाले में भी रख देता फिर तो। यही तो मैं समझा रहा हूँ यार, तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ऐसा मत करो। लास्ट में लिख देंगे ना कि हुआ है। बेटा वो इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करने के लिए कि ऐसा हो तो करो, तो ऐसा चेक भी तो करना पड़ेगा। ये आपको प्रूव करने का आया तो आप पहले से कैसे ले लोगे, तो पहले वाले में फिर क्या तूने इक्वल टू रख, एंड में वो कर देंगे ना इक्वल को हटा वो ऐसा तरीका ही गलत है ना बेटा। फिर इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ एलएचएस आरएचएस अलग लेके चलो, तुम इतना सा नहीं पहचान सकते हो क्या? डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा ना। इसके आ रहा है कभी आएगा कभी नहीं आएगा। चलो पी कितना है, 4 एलएचएस ले रहे अपन, पी कितना है 4, ईक्यू कितना है 4.5, आरएचएस देख लो जरा 8/9, एफआर कितना है 9, 4.5 और 9 हो रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे ना बेटा। अब इतना तो तुम काम कर लो ना, ये पॉइंट हटाया ये जीरो लगाया, 5 से कैंसिल होता है क्या, 5/8 ना, तो कितना आ रहा है 8/9। अरे यार पॉइंट उड़ाएंगे तो जीरो आएगा ना यार ऊपर, 8/9 आर मतलब आर एच एस, एल मतलब इक्वल हो गया मतलब यस, ये हो गया मतलब लाइन पैरेलल है भाई, मैंने सीधा उल्टा दोनों बताया ना आपको, सिखाया ना थ्योरम मतलब दो, वो दो सड़ी सी थ्योरम को सीखने में अपना पूरा 10वीं का नॉलेज लग जाता है, देख लो सड़ी सी चीज है फिर भी अपन उसको बदनाम, अगर ध्यान से आज ही सीख लिया अपन ने तो क्या है, दो चीज चेक करनी है तुमको कर लो ठीक है। अभी दूसरा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो यही नहीं सिमिलरिटी के, जो कि तुमको और ज्यादा दिक्कत है। 8/9 इज इक्वल टू 8/9, इसका मतलब एलएचएस इज इक्वल टू क्या है RHS, इसका मतलब क्या होगा, यस यस EF इज पैरेलल टू UR। चलो थर्ड वाला सिमिलरली चेक करके बताओ, ये हमारा कौन सा था, बी वाला। चलो सी वाले में वैल्यू क्या है, चलो एक मिनट मुझे बताना, कोई भी एक बंदा बताओ, सब मत बोलो, अनिशा बोलो, पी क्यू इज इक्वल टू 1.28, 2.56, 0.18, 0.36, ओके। अब इस बार पी क्यू दे रखा है, कितना दे रखा है पी क्यू, पी क्यू दे रखा है तो अच्छा पहले तो वैल्यू जो है ना वो लगा लो, हर बार एक जैसा क्वेश्चन नहीं देगा, तुमको पता है कि अगर ये दिया है और ये मिसिंग है तो इसमें से इसको माइनस करके निकाल लेंगे ना हम। चलो तो पी क्यू कितना दे रखा है, 1.28 दे रखा है, मैं पूरे को 1.28 बोल दूँ, इसके पहले मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी ना ऐसा करने की। अब पी क्यू कितना दे रखा है, 1.28, पी आर कितना दे रखा है, हाँ तो बस ठीक है, ये 2.56, पी कितना है बेटा 0.18, इसके पहले मैंने इतने वैल्यूज नहीं बताया था डायग्राम में, डायरेक्ट प्रूफ कर दिया था ना, ये इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि ये अलग से ई क्यू नहीं दिया है ना आपको, पर EQ फाइंड तो कर लोगे इतना दिमाग लगा के, क्यों, क्योंकि 1.28 में से 0.18 घटेगा तो EQ तो आएगा। सिमिलरली 2.56 में से क्या हिस्सा जाएगा, 0.36, तो क्या FR नहीं आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपको है छोटी सी चीज, इतना सा दिमाग लगाओगे तो काम बन जाएगा यार, बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव में, तुमको मैं लिख के दे देता हूँ, पर वो दिमाग लगवा देगा तुम्हारा, वो दिमाग सड़ा के गए वो, तो फिर तो क्या है कहीं भी नहीं होने वाला है। अब वो डिपेंड करता है बच्चों पे कि क्या मैं इतना तो लगा सकता हूँ, अब इतना भी नहीं लगा तो फिर गए काम से, फिर तो तुम आगे का ट्रेंगल तो छोड़ ही दो, यहीं स्टॉप करके अगला कुछ पढ़ लो। अब निकाल लोगे, अब ई क्यों निकाल लोगे बेटा, 1.28 से 0.18 घटाते आएगा कि घटाते सिखाऊं, 1.1 डायरेक्ट लिख दूं क्या, क्या आप घटा लेंगे, और 2.56 पे से 0.36 घटेगा तो कितना आएगा, 2.2 लिख लो, ठीक है जीरो मत लिखो। अच्छा ये तो समझ में आ गया ना घटाया क्यों, भाई इतनी सी लाइन में से इतनी सी काट दो तो इतना बचा, काटना मतलब माइनस करना है ना, और इतनी लाइन में से इतना माइनस कर दो तो इतना बचेगा। अब तो आ गया आपका ओरिजिनल वैल्यू, अब तो चेक कर लोगे, हालांकि मैं तो आपको इससे भी चेक करवा देता, 4 स्टेटमेंट लिखवाए थे मैंने, आप आ गया LHS क्या लिखेंगे, P अपॉन में EQ किसके बराबर आना चाहिए, PF अपॉन में FR में। LHS निकालो बेटा अलग से, जो मैं बोलता हूँ ना तुम उसका उल्टा ही करते हो, 0.18 अपॉन में 1.1
तुमको बोल रहा है इक्वल टू में इसको इसको नहीं रखना है क्यों, क्योंकि आपको फुट करना है। चलो इसका आंसर निकालो 18/11 सही है। अच्छा इसको कैंसिल जीरो वगैरह घटा के देख लो जरा पॉइंट, इधर देख एक पॉइंट और इधर कितने पॉइंट के बाद दो नंबर, तो इधर से एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ कितने जीरो आएंगे दो, और इधर से एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ कितने जीरो आएंगे, सॉरी यहाँ एक हटेगा तो एक जीरो आएगा, और यहाँ दो हटेंगे तो दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 18 पॉइंट में कितना आ रहा है ये 11 × 10, अब इसको कैंसिल कर रहे हो तो कितना आ रहा है 2 से 9 और 9/55 आर एच एस कितना आ रहा है देखो जरा, पी एफ अपॉन मेरे पास पी एफ कितना है 0.36 डिवाइडेड बाय एफ आर कितना है 2.2, फिर से इधर से पॉइंट हटेंगे तो दो जीरो नीचे आएंगे और इधर एक पॉइंट हटेगा तो एक जीरो नीचे आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, बाकी को आप कैंसिल कर पाएंगे क्या, क्या 9/55 आएगा इसमें भी, चलो फटाफट चेक करो। अरे तो सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है मुझे 9/55 आ रहे हैं, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि तुम सॉल्व कर पाओगे, आएगा क्या LHS RHS के बराबर है, तो यस तीसरा वाला जो केस है ये भी क्या है, यस EF पैरेलल टू QR, आ गया समझ में, 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली क्लियर हुए कि नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखें, ठीक है डायग्राम देख के घबराना नहीं है, थोड़े क्वेश्चन की लेंथ बढ़ेगी बाकी कॉन्सेप्ट वो चलेंगे, ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, फोर्थ करें, ध्यान से पढ़ो ध्यान से पढ़ो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम दिया है तो 3 भी कर चुके हैं इसके पहले अपन, ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 6.19 फिगर दिया आपको, तो कैसा फिगर दिया हुआ है एक मिनट में ड्रॉ कर लूं, फोर्थ वाला हो जाएगा अपने पे विश्वास तो रखो, इतना मत रोया करो, एक तुमको टॉप तो करना नहीं है, ठीक है हर बच्चा सोचता है मुझे टॉप करना है, भाई टॉप तो वही कर सकता है जो कुछ करके दिखाता है, अब तुम्हें समझ में आया तो आप कर सकते हो यार, अब तुम उसके बावजूद भी नहीं, बोले सर हम तो क्या है इतना सा पढ़ लेते वही हमारे लिए काफी होता है, टॉप तो हम नहीं कर पाते। ऑनलाइन तो कुछ समझ में आता नहीं है, ऑफलाइन ही डायग्राम गलत है, ये ज्वाइन कर दें अब, ठीक है ठीक है, ये अपना अलग ही एक सिंबल बन गया है, कोई बात नहीं, तो थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो गई है तो लगा लेना यार हिसाब से, ठीक है चलो क्या दे रखा है, डी पैरेलल टू एसी, स्टेटमेंट पे ध्यान लगाया करो क्या पैरेलल दिया है, क्या दिया है पहला गिवन डी पैरेलल टू एसी, और फिर जो पैरेलल दिया है ना उस ट्रेंगल पे जाया करो, और दूसरा डी एफ पैरेलल टू एई, डी एफ पैरेलल टू एई, अब मैं आपको खुद से बोल रहा हूँ कि इस पे थोड़ा दिमाग लगाओ, पीटी को मैं शॉर्ट में प्रूफ दैट लिख रहा हूँ, पीटी इज इक्वल टू क्या है बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है भाई आपको, बी अपॉन में ई सी, बी अपॉन में ई सी, अब जब प्रूफ करना है चीज़ों को तो इक्वल टू ले नहीं सकते आप, ठीक है सर इसको बराबर लेके चलो, इक्वल दिया है क्यों, अच्छा डी और ई सी, अब अच्छा मुझे बताओ डी और ए सी कौन से ट्रायंगल के हिस्से हैं, डी और डी और ए सी जो को जो पैरेलल है ना वो ट्रायंगल के हिस्से, देखो अब वहां पे ऐसे देखोगे तो कितने सारे ट्रायंगल बन रहे हैं ना, जोलजाल पूरा मकड़ी का जाला, डी डी और एसी कौन से ट्रायंगल का हिस्सा दिख रहा है आपको बताओ, एबीसी एबीसी का, एबीसी का क्या समझ में आता है, छाटते आता है नहीं आता है, छाटा भी नहीं करते आएगी, तो पहला ट्रायंगल तो क्या लूंगा एबीसी, नहीं समझे, डी एफ और ए देखना जरा ध्यान से कौन से ट्रायंगल के हिस्से, अरे यार इसका कौन सा ट्रायंगल बनेगा डी एफ और ए,
हाँ, वो बीच वाला, बीच वाला मत बोलो, नाम बोलो सर। आ गया समझ ए बी। मैंने तुमको पहले ही बोल दिया था, जितने पैरेलल दे उतने ट्रायंगल छाटो, उतनी इक्वेशन बनाओ। सर आ गया समझ। इसकी इक्वेशन बनाओगे, हरी बात समझ में, क्या बनेगी? डी पैरेलल एसी तो दिया ही है, थ्योरम 6.2 फिर से लगा दो। चलो एबीसी मतलब क्या है, क्या बनेगा? एडी पैरेलल टू डीबी, मतलब क्या लिखेंगे अपन? एडी अपॉन डीबी लिख लें, क्या लिखें? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू, मतलब किसे भी लिख सकते हो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू, फिर इतना अपॉन इतना लिखना, सीक्वेंस ये चलाओ तो यही चलाना। ऐसा नहीं कि इधर का एडी और अपॉन में ये लिखा और इधर से इधर अपॉन में ये उधर लिख लिया, साइड समझ में आती है ना? तो क्या होगा, एबीसी क्या बनेगा? एम एस को लिख लेता हूँ, एडी अपॉन में डीबी, क्या बात समझ में आ रही है? इज इक्वल टू क्या बनेगा, बोलो बोलो बोलो, क्यों? अरे एबीसी ट्रायंगल देखो ना बेटा, जब एबीसी ट्रायंगल देखोगे तो डी और ए को ध्यान रखोगे, सॉरी किसको ध्यान रखोगे? डी को, क्योंकि पैरेलल क्या दिया है? डी और एसी, बाकी को सब भूल जाओ। या तो दो ट्रायंगल बना पाओगे क्या आप? बातें नहीं, ट्रायंगल अगर एबीसी की बात करोगे तो एबीसी की बात, चलो मैं इसको शॉर्ट में बना देता हूँ, मैं अगर एबीसी की बात करूँगा तो जो पैरेलल लाइन के मुताबिक क्या बनेगा, ए बी और सी, ये पॉइंट क्या हो गया डी और ये पॉइंट क्या हो गया ई,